Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, my name is Nelmeshwari, but you can call me Sonu. So yes, welcome to the Sonu Swirl. So आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नायका हॉट पिंक फेल, जो जब मैं ये वीडियो डालूंगी तब तक तो वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ बहुत अच्छी अच्छी और बहुत सारी ऑफर्स आई है नायका हॉट पिंक सेल में, तो मैंने भी थोड़ी बहुत जो मुझे अभी चाहिए थी वो मैंने बाय की है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी सबसे कम प्राइस वाली प्रोडक्ट से, वो है ये लैक्मे के आईलाइनर, ये ब्लू वाले। और ये मुझे कब से ख़रीदनी थी लेकिन मैं ख़रीद नहीं पा रही थी। वैसे मेरे पास ब्लू लाइनर्स है लेकिन कुछ और ब्रांड्स की है, फिर लोकल ब्रांड्स की भी है, तो वो ज़्यादा इतनी इफ़ेक्ट नहीं देती है। लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, वीडियोज़ में भी देखा था, तो मैंने इस बार सोचा कि चलो ख़रीद ही लेती हूँ। और ये मुझे आई है सिर्फ और सिर्फ 98 रुपीज़ में, जो कि मुझे वर्थ लगी क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ऑसम है। आप यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है बहुत एकदम वो ब्राइट ब्लू होता है उस टाइप का है, ये देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको बाय किया है। और ये सिर्फ 98 रुपीज़ में आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, लाइनर के पीछे इतना खर्चा तो हम कर ही सकते हैं। तो उसके बाद मैंने परचेस किया है ये वाला स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर नेचुरल, और वो भी एलोवेरा विथ विटामिन ई के साथ। मैं वैसे मेकअप फिक्सर ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मैं मेकअप ही ज़्यादा नहीं लगाती, बाहर जाती हूँ तो मैं ऐसे ही जाती हूँ। लेकिन अभी थोड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फिर नवरात्रि भी आएगी, तो मैंने सोचा एक ये वाला ख़रीद लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी एक था लेकिन वो कोई लोकल मार्स कंपनी का था, ब्रांड का था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इससे बाय कर लेती हूँ। और उसके बाद है ये मामा अर्थ की लिप बम, ये लिप बम है चेरी टिंटेड, और ये लिप बम मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी, उससे ज़्यादा भी इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी। ये देखो इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, 200 रुपये की लिप बम में ऐसी पैकेजिंग कौन देता है। और हाँ, इसकी प्राइस मैं बताना भूल गई, इसकी प्राइस वैसे मुझे आई थी 187 में, सो ये मुझे वर्थ लगा इसीलिए मैं बाय कर लिया, क्योंकि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और वो मुझे बहुत अच्छे भी लगती है, क्योंकि कम प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिल जाती है इसीलिए। तो चलो इस लिप बम की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसी है दिखने में, और ये थोड़ी टिंटेड भी है, ये देखो ये आपके लिप्स को थोड़ा पिंक कर सकती है, इसलिए मैंने ये वाली बाय की। वैसे मैं पहले माइग्लेम की यूज़ करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने सोचा एक बार मामा अर्थ की ट्राई करते हैं, क्योंकि इसकी प्राइस भी बहुत कम थी, मतलब 224 में थी, तो मुझे वर्थ लगा कि हाँ ठीक है चलो एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये एकदम ज़बरदस्त पैकेजिंग में इन्होंने दिया है। और उसके बाद आते हैं ये थोड़ी महंगी वाली प्रोडक्ट है, ये मुझे कब से बहुत सालों से ख़रीदनी थी लेकिन मैं ख़रीद नहीं रही थी, बहुत सोच रही थी ख़रीदूँ ना ख़रीदूँ, लेकिन इस बार मैंने ख़रीद ही लिया, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी ही। ये है सुगर की कॉन्टर डे फेस पैलेट, और इसमें ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोर तीनों साथ में आते हैं, तो इसलिए मैंने ये परचेस किया है। इसमें और ज़्यादा शेड भी है, 3 या 4 शेड आते हैं अलग अलग, लेकिन मैंने ये वाला परचेस किया क्योंकि मुझे वो नेचुरली लुक क्रिएट करने के लिए मेकअप चाहिए था कुछ ऐसा, इसलिए मैंने ये वाला परचेस किया। आप अगर चाहे तो उसके दूसरे शेड भी देख सकते हैं, इस वाले शेड का मुझे नाम याद नहीं है, हाँ 01 सटल समिट इसका नाम है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ज़रूर दे दूँगी, आप देख लेना। और इसकी प्राइस है वैसे
799, लेकिन ये कुछ मुझे 729 का या 700 तक का आया था, तो मुझे वर्थ लगा इसलिए मैंने बाय कर लिया। और शुगर की प्रोडक्ट तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैंने ये वाले परचेस कर लिया। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, जिसे मैंने अभी ओपन भी नहीं किया। ये है शुगर का ट्विस्ट एंड शाउट फेट प्रूफ काजल। मुझे वैसे काजल इतना पसंद नहीं है, मैं कभी काजल लगाती भी नहीं, आप देख सकते हो अभी भी मैंने नहीं लगाया है। मैं ज़्यादातर लाइनर ही लगाती हूँ, लेकिन सोचा कि एक बार ये काजल मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं जब भी काजल लगाती हूँ मेरा स्प्रेड हो ही जाता है, कोई भी काजल इतना नहीं टिकता मेरी आँखों पर। तो मैंने सोचा इस बार ये वाला हम ट्राई करते हैं। और इसकी प्राइस है वैसे 399, लेकिन ये मुझे आया था 359 में। सो ठीक है, मुझे वर्थ लगा कि शुगर की हम प्रोडक्ट में इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। और इसकी भी पैकेजिंग मुझे वैसे अच्छी लगी, तो इसको हम देखते हैं। मैंने इसे अभी ओपन भी नहीं किया है। बहुत ज़्यादा ही ब्लैक है, ये वेलवेट ब्लैक है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं मैं इसे कब लगाऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। प्राइस वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा नहीं, वैसे काजल का देखा जाए तो बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे। 400 का काजल मैं तो ना खरीदूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, इसे यूज़ करूँगी, फिर देखती हूँ कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये स्मच प्रूफ है या नहीं। और नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये आईब्रो पेंसिल, आर्क अराइवल ब्रो डिफाइनर। सॉरी, आईब्रो पेंसिल नहीं है, लेकिन ये कुछ ऐसी आती है, मैंने इसके बारे में भी बहुत सुना था। ये भी शुगर ब्रांड की ही है, इसलिए मैंने ये ख़रीदा। मैंने बहुत इसके रिव्यू देखे थे और ये बहुत अच्छी आती है। इसके एक साइड यहाँ आपको ब्रो की ये स्टिक मिल जाएगी कुछ ऐसे। ये मैंने वैसे डार्किश ब्राउन कलर में परचेस किया है, इसमें भी 4 शेड्स अवेलेबल थे। और क्योंकि मैं ज़्यादा ब्राउज बनाती नहीं हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इससे चलो ट्राई करते हैं हम कि कैसी बना पाते हैं। और इसके दूसरी साइड ये स्पूली आती है ऐसी कुछ, जिससे आप अपने आईब्रो को ऐसे शेप दे सकते हो। ये मेरे बालों में फंस गई, शेप दे सकते हो। तो ये भी मुझे वर्थ लगी प्राइस में, वैसे तो थोड़ी एक्सपेंसिव है ये भी। ये भी कुछ मुझे 399 की आई थी, जो मुझे थोड़ी कॉस्टली लगी, थोड़ी नहीं बहुत कॉस्टली है वैसे तो, लेकिन ठीक है, एक बार हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोकल ब्रांड्स खरीदने जाते हैं तो वो ज़्यादा टिकते भी नहीं है और अच्छे भी नहीं होते हमारे लिए। तो इसलिए मेकअप में तो मैं बोलती हूँ आप अच्छे ब्रांड्स ही यूज़ करो। अब चाहे तो कोई स्विस ब्यूटी या फिर इनसाइड के भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे ही आते हैं, इतने बुरे नहीं होते। लेकिन ठीक है, कभी कभार ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना चलता है। तो ठीक है, मैंने सिर्फ इतनी ही चीज़ें खरीदी है, मैंने बहुत कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं थी इतना कुछ मेकअप की। इसलिए मैंने सिर्फ इतना जो मुझे नीडेड था, मुझे चाहिए था, वही ख़रीदा। तो चलो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी मत भूलना, दिस इज माय इंस्टाग्राम अकाउंट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।